हेलो कार्तियंस, कैसे हैं आप सब? आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के डॉट इन ब्लॉग्स पे। कैसे बुला रहा है देखो तो, एकदम मक्खन, एकदम स्मूथ। ये है क्लैरिटी। नोटिस में ना मैं ही पहला वो बंदा हूँ जो 18mm लिया है लुमिक्स का 1.8 वाला। तो ब्लॉगिंग लेंस है काफ़ी वाइड है, देखो आप लोग चेकआउट करो। तीन बंदे समा जाएंगे साइड साइड में, मैं बीच में हूँ अभी। तो मेरा बर्थडे कल है आज, यानी कि 12 अप्रैल है। तो खुद को एक गिफ्ट देना तो बनता ही है, तो हर साल देने की कोशिश करता हूँ लेकिन इस साल मैं दे पा रहा हूँ। तो वो क्या चीज़ है आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये डायरेक्ट कैमरा के इंटरनल माइक से बातें कर रहा हूँ, तो एक्सटर्नल माइक की ज़रूरत तो थी ही, बाद में जाके तो ज़रूरत पड़ेगी ही पॉडकास्टिंग वगैरह प्रमोशनल मटेरियल वीडियोस बनाने में। तो खुद के लिए गिफ्ट लाया हूँ, अभी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। तो वेट एंड वॉच। ये रही वो प्रोडक्ट, नाम क्या है इसमें नाम क्या आ रहा है, हॉली लैंड का लार्क M2 वायरलेस लेवलियर माइक्रोफोन कॉम्बो वाला लिया मैंने। तो ये मेरे को पड़ा 16,000 के करीब तकरीबन। खोलते हैं, माइक की ज़रूरत पड़ती ही है जैसे भी हो। टाइट प्लास्टिक रैपिंग करके देते हैं ना एयर टाइट में, तो इसी वजह से थोड़ी सी तकलीफ होती है हमें। ये रैपिंग खुल गया, अभी ज़्यादा साफ लग रहा है, देखो हाँ। हॉली लैंड मैट 2 इंस्पायर लार्क M2 वायरलेस लेवलियर माइक्रोफोन। यहाँ पे मैं बटन साइज का वो माइक्रोफोन मिलता है और 48 kHz 24-bit का कुछ बेड है, यूनिवर्सल कंपेटेबिलिटी, एडवांस ENC माइक, लॉन्ग बैटरी लाइफ अप टू 48 hours। ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आती तो माफ़ कर देना अगर कुछ गलती हो जाए तो। कट गया बहुत ही अच्छे तरीके से। ओ ये अनबॉक्सिंग वाला साउंड ना काफ़ी मज़ेदार लगता है। इसमें होगा मैनुअल, बहुत सारे कंपनीज की तरह ये वी आर हियर फॉर यू। इसमें होगा मैनुअल बहुत सारे कंपनीज की तरह, कुछ स्टिकर्स मिले हमें, वाओ इमोजी, हॉली लैंड वी आर हियर फॉर यू आफ्टर सेल्स कार्ड, बढ़िया। यहाँ पे नेट फॉर क्या क्या है इसमें, नेट फॉर आईफोन आईपैड या तक कि एंड्रॉयड आईफोन, कोमो वाला है ना, कैमरा के लिए भी काम में आएगा। ये रहा चार्जिंग केस, माइक केस रैपिंग में है प्लास्टिक में, से उतारता हूँ। अरे भैया, और ये हमारे को यहाँ पर मिलता है अंदर ऑडियो रिसीवर, कैप्सूल माइक दो ठो। ओ माय गॉड, देखो तो कितना सेक्सी है, कितना छुटकू है। डिज़ाइन देखो यार, डिज़ाइन देखो दो ठो है, यहाँ से ही चार्ज होगा। ये अंदर यहाँ पे पिन है, यहाँ से ही चार्ज होगा। और भी सारी चीज़ें अंदर है इसके, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में। देखो अगर इसको मैंने खोला बंद किया तो यहाँ पे दिखाएगा बैटरी इंडिकेटर, बैटरी का परसेंटेज। यहाँ में और भी सामान है अंदर, और सामान है। ये भी रिसीवर, ये हो गया एंड्रॉयड वाला रिसीवर, ये हो गया एंड्रॉयड वाला रिसीवर, और ये हो गया लाइटनिंग पोर्ट वाला रिसीवर आईफोन वाला।
पुराने मॉडल का, चार्जिंग की ज़रूरत नहीं इसे, डायरेक्ट डालो, यूज़ करो। सेटिंग करते हैं और मिलते हैं। ये बॉक्स के अंदर और भी एक चीज़ है अंदर, एकदम अंदर में यहाँ पे, तो बाहर निकालना पड़ेगा। क्या चीज़ है? ओहो, पाउच है, सिलिका वो शेल है, कुछ सिलिका जेल, और यहाँ पे पाउच मिलता है हमें सेक्सी वाला, काफ़ी सेक्सी हॉल एलन का। यहाँ पे स्लोगन है हॉल एलन का, हॉल एलन मेड टू इंस्पायर, सही है काफ़ी। यहाँ में इसका लॉकेट मिलता है कि नहीं, तो लॉकेट भी मिल जाना चाहिए हमें। और ये इसका चार्जिंग केबल, और ये कैमरा में लगने वाला वायर है, 3.5 mm जैक। बॉक्स के अंदर का गिफ्ट चेक करते हैं। वो डेड कैट है यहाँ पे, एक्स्ट्रा यहाँ पे हमें डेड कैट मिलता है, ये वाला माइक्रोफोन के लिए, ताकि नॉइस क्रिएट ना करे, नॉइस को कट करे जितना हो सके उतना। लग गया डेड कैट माइक्रोफोन में। और यहाँ पे ये क्लिप है किस चीज़ का, माइक्रोफोन से अटैच करने के लिए ये क्लिप है, मैग्नेटिक क्लिप। जुड़ नहीं रहा। और लास्ट में हमारे को लॉकेट मिलता था, स्पेशल चीज़ ये देखो गाइस, माइक्रोफोन का लॉकेट। इसमें दो ठो है शायद ना, हाँ दो ठो है, दो लोगों के लिए। या अब से मैं इसको ही पहनूंगा। अरे क्या गिर गया। तो अनबॉक्सिंग ख़त्म हो गया, अभी टेस्ट करते हैं। पहले अपन लॉकेट से बात करते हैं। ये देखो लॉकेट मैंने लगा लिया, तो इसकी रेंज की टेस्ट करेंगे। हम बाहर से बात करते हैं। अभी भी सुनाई दे रहा होगा, कितना सुनाई दे रहा है उतना मेरे को आइडिया नहीं है, बस थोड़ा कैमरे से दूर आ गया। तो अभी दूसरा वाला स्टाइल ट्राई करते हैं। काफ़ी मज़ा आया इसके साथ ही। अभी मैं माइक्रोफोन को अटैच कर देता हूँ, ये मेरे टी शर्ट के लेफ्ट साइड में, बस कर गया, बस रुको, बस हो गया। और यहाँ पे ये मैग्नेट से डायरेक्ट, रुको यार इतना जल्दी चिपकता है, बस चिपक गया। बस ये वाला सही लगा, पर ये वाला मैग्नेट जो है इससे थोड़ी मुश्किल आएगी तो ऐसा सेटअप करने में। तो टी शर्ट के अंदर ऐसा करने से भी होता है, इसको ऐसे डाला और बातें किए। थोड़ा सा बाहर चलता है और कुछ पूरे फुल सेटअप के मूड में हूँ मैं आज। अभी मैं ऑटो मोड में खींच रहा हूँ खुद को, बस तो थोड़ी सी धूप है बाहर, बस कुछ ना कुछ तो चिपक ही जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है यार DSLR के साथ सेटअप व्लॉगिंग करना। आपको दिखाता हूँ मैं मोबाइल से कैसा लगता है।
ये रही सेटअप, देखो कितना दूर इसे लेना पड़ता है। हालांकि उतना भी दूर लेना नहीं पड़ता, 18 mm बहुत ज़्यादा हो जाता है, 18 mm सफिशियंट हो जाता है ब्लॉगिंग के लिए। बस अपने गांव के फील्ड में चल रहा हूँ और इससे थोड़ा मैनुअल में खींचते हैं। अभी फील्ड पे काफ़ी नॉइज़ है, देखो सुनो तो कैसे नॉइज़ कट आउट कर रहा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। बस मैं तो घूम रहा हूँ ऐसे ही अपने सेटअप से, नॉर्थ ईस्ट में मैं पहला बंदा हूँ जो 18 mm लिया है पैनासोनिक लुमिक्स का, तो थोड़ा सा ब्लॉगिंग शॉगिंग भी हो गया आज के दिन। तो बर्थडे से पहले एक सरप्राइज वीडियो आप लोगों के लिए, ये वीडियो आज शाम को डलेगा, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।